हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें हमने डिटेल में बात की गई है, पर अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है और वो लोग एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं स्टार्ट टू एंड। तो हमने स्पेशली ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए बनाया है कि जो एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं, और जिनको डिटेल में ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, और इसको जिसको कोई पॉइंट समझना है और डिटेल में अगर जानना है, ज़्यादा जानना है, तो वो हमने सब वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सपोर्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी बंदा होता है जिसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको सबसे पहले तो उसके पास एक कंपनी होनी चाहिए, चाहे वो प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो, या LTD हो, LLC हो। कंपनी रजिस्टर करवानी ज़रूरी है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस के लिए, क्योंकि रजिस्टर जो आप कंपनी करोगे उसके ऊपर से आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, करंट अकाउंट ओपन करवाते हो अपने बिजनेस के नाम से या पर्सनल प्रोपराइटर के नाम से, तो उसके बाद आप एक बैंक सर्टिफिकेट होता है वो लेना मत भूलिए, कि वो बैंक सर्टिफिकेट में होगा कि ये बंदे ने हमारे साथ अकाउंट खुलवाया, इसका अकाउंट नंबर ये है, वो बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट आएगा। वो दोनों मिलाकर रजिस्ट्रेशन जो कि वो डॉक्यूमेंट्स और आपका ये जो करंट अकाउंट जो आपने ओपन किया वो अकाउंट की डिटेल और बैंक सर्टिफिकेट लेके आप IC कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। IC कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोला जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बिना आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, या खुद अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आपके पास IC नहीं है और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको कोई एजेंट हायर करना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, तो वो शायद आपके बिहाफ में करके देगा, पर उसके वो नॉर्मल से चार्जेस लेगा। उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए कि आपको कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है। सब लोग, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बता। तो मेरी उनसे यही राय है कि आप मार्केट की कंडीशन देखिए, वो देखना ज़रूरी है, पर आपको जो प्रोडक्ट इजीली मिल रहा है, जिसका सप्लाई आप चाहो उतना आपको मिल रहा है और आपको इजीली कभी भी कोई भी टाइम पे मिल जाए, और वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और उस प्रोडक्ट पे मार्केटिंग चालू कीजिए। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपके प्रोडक्ट के अनुरूप कोई भी चीज़ बनती है, तो जैसे कोई बनाने वाला होता है, बेचने वाला होता है, ऐसे ही कोई लेने वाला ज़रूर होता है। तो पहले फिर आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो कंट्री ढूंढिए जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, और वहाँ पे आप मार्केटिंग चालू करिए। सबसे पहले तो आप जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर एक इंटरनेशनल लेवल की अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे पैसे खर्च करो और बड़ी सी वेबसाइट बनाओ, छोटी सी बनाओ, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाओ कि जिसमें कोई भी क्लाइंट आता है तो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को ईजिली मिल जाए, वो आपकी कंपनी के बारे में जान पाए और आपकी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है उसको, आपके जो भी सोशल मीडिया आपने पेजेस बनाए होंगे, ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, वो सारे सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट कनेक्ट कर दीजिए और आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया पेजेस से कनेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जो बंदा वेबसाइट पे आता है तो वो वेबसाइट के थ्रू आपके सोशल मीडिया पेज पे आ सकता है, वहाँ पे आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अच्छी फोटोज़ हो, कुछ भी, यानी आपकी कंपनी के बारे में जानना जो आपने पोस्ट किया वो जान सकता है, और सोशल मीडिया में आपके पास कितने यूज़र्स हैं, कितने लोग ज्वाइन है, उसके हिसाब से भी आपके इम्प्रेशन थोड़ी मजबूत होती है। ओके, इतना करने के बाद आप स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन मार्केटिंग करने का। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बेस्ट मार्केटिंग है, उससे आप कई सारे अलग अलग देशों के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो अपना मार्केटिंग कीजिए, आपकी बात रखिए, आपकी प्रोडक्ट उसको समझाइए, आपकी वेबसाइट उसको दिखाइए। उसके बाद अब अलग अलग सिटीज़ में, जहाँ पे भी आप रहते हो या बाजू वाली सिटी में,
अगर जिसकी फॉरेन जाने की इच्छा हो और फॉरेन में उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो जितने भी एक्सपो होते हैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। वहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ना कोई या बायर या सेलर ज़रूर मिलेगा। तो अगर सेलर मिल रहा है तो आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट क्या भाव क्या है, बाज़ार में क्या कीमत चल रही है, और बायर मिलेगा तो आपके लिए तो अच्छा ही है, आपका एक्सपोर्ट चालू होगा। वंस अगर आपको सब इतना करने के बाद अगर आपकी इंक्वायरी जनरेट हुई, कोई भी आपको मिल गया, बायर मिल गया है, आपने मार्केटिंग किया, वेबसाइट बनाया, एक्सपो में किया, इतना करने के बाद आपको कहीं ना कहीं से इंक्वायरी चालू होगी, आपको कोई ना कोई तो मिलेगा या आपकी जो चीज़ खरीद पाए। उसके बाद उसको अच्छा सा कोटेशन दीजिए। कोटेशन देने के वक्त प्लीज़ आप संभालिए, आप देखिए, आप एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगता है, तो सर्विस टैक्स को माइनस करने के बाद ही आप उसको कोटेशन दो, तो आपका कोटेशन 100% अप्रूव होगा और लोगों से कम होगा। एक बार एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की डील, यानी कि आपका बायर और सेलर की डील डन हो जाती है, उसके बाद कस्टम हाउस एजेंट हायर करें, जो आपका कस्टम्स क्लियरेंस का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब करेगा। वो आपको बताएगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ये सारी डिटेल सीएचए क्या करता है, फ्रेट फॉर क्या, वो सारे हमने वीडियो बनाए हुए, प्लीज़ आप सब वीडियो देखें तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद अच्छा सा एक फ्रेट फॉरवर्ड हायर कीजिए, जो आपके बिहाफ में शिपिंग लाइन, अगर आपको माल शिप में भेजना है या आपको माल एयर में भेजना है, तो आपको शिपिंग के चार्जेस या एयर के चार्जेस सारे वो प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद कस्टम, ये आपका अगर डील डन हो गई, आपने कस्टम हाउस एजेंट हायर कर लिया, वो आपका कस्टम का डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपने फ्रेट फॉरवर्ड देख लिया जो आपको शिपिंग और एयर में चार्जेस में हेल्प करेगा, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस एजेंट सारा क्लियरेंस का पार्ट कर क्लियर्स करेगा, और फ्रेट फॉरवर्ड भी शिपिंग का पार्ट देकर सब कुछ आपका कार्गो क्लियर करेगा। और इसके बारे में डिटेल जानना हो सीएचए फ्रेट फॉरवर्ड, प्लीज़ मेरा यूट्यूब का वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में ज़्यादा पता चलेगा। वंस कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, अगर शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस हो गया, उसके बाद अगर आपका कार्गो वेसल में लोड हो चुका है और वहाँ से निकल चुका है, उसके बाद जो भी कस्टम क्लियरेंस का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और जो आपको फ्रेट फॉरवर्डर शिपिंग लाइन के डॉक्यूमेंट्स देगा, वो सारे आपको कंसाइनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको वो कुरियर करना है, क्योंकि आप कुरियर करोगे ओरिजिनल, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को मिलेंगे, उसके बाद ही वो उसका कार्गो वहाँ से रिलीज करवा पाएगा। ओके, अगर कोई भी कार्गो आपने LC इन्वॉल्व किया हुआ है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सबमिट कीजिए, बैंक में आप सबमिट करो, वो बैंक दूसरे बैंक को भेजेगी और दूसरे बैंक वहाँ पे पेमेंट लेके कंसाइनी को देगी, वो ये LC पेमेंट के लिए सबसे सेफ है, और उसके बाद उसका कार्गो रिलीज होगा। ओके, वंस ये सारी डील हो गई, अगर आपके पास कंसाइनी ने पेमेंट भेज दिया है, आपका बैंक के थ्रू आपको रेमिनेंस मिल चुका है, तो उसके बाद आप बैंक से BRC सर्टिफिकेट लेना मत भूलिए, उसको बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये BRC सर्टिफिकेट लेने के बाद कस्टम में सबमिट करना होता है। कस्टम में सबमिट करने के बाद अगर आपने जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है उसकी टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है, जो टोटल डॉलर में जो इनवॉइस वैल्यू है, उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट 4-15% तक का बेनिफिट्स, यानी कमीशन 15% जो भी टोटल वैल्यू है वो आपका बैंक में डायरेक्ट जमा करवाती है, उसके लिए BRC ज़रूरी है। ओके, और ये जब BRC का जो चल रहा होगा, जब ड्रॉबैक के लिए आप अप्लाई करोगे, और आपका शिपमेंट जब कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, उसके मिनिमम 1 मंथ के बाद आप EP कॉपी होती है, एक्सपोर्टर कॉपी होती है, वो CHA से लेना मत भूलिएगा। यहाँ पे इतना जो मैंने बोला, यहाँ पे आप ऐसा समझो कि आपका शिपमेंट एक्सपोर्ट, एक शिपमेंट ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं है कि कस्टम क्लियर हो चुका और उसके बाद आपने आपका कार्गो वेसल में चला गया तो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है जो जमा करवाने हैं बैंक में, वो सब करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका प्रॉपर एक शिपमेंट एक्सपोर्ट हुआ ऐसा आप बोल सकते हो, या तो उसका पूरा प्रोसीजर ख़त्म हुआ। आशा है कि आप सबका पूरा एक्सपोर्ट का मेन मेन स्टेप क्लियर हो चुका होगा, और ये जितना भी मैंने बोला उस सारे सभी चीज़ों के लिए हमने
एक एक सेंटेंस में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखें तो आपको और थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।